टाटा मोटर्स इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को बेचती है। आज बात करते हैं टाटा की उन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में जिनको इंडिया में लॉन्च किया जाना है। ये वीडियो खास अपकमिंग कारों के ऊपर होने वाला है। अगर आपको टाटा की किसी न्यू कार का इंतजार है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इनमें से कुछ कार्स ऐसी भी है जिनको ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। अब डायरेक्टली इन गाड़ियों को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। अब देखो, जो पहली कार है वो है टाटा पंच का फेसलिफ्ट मॉडल। हालांकि टाटा पंच इंडियन मार्केट में आज के डेट में काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है और ये इंडिया की नंबर वन मोस्ट सेलिंग कार भी बन चुकी है। अब इसका अपडेटेड वर्जन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। जब से ये कार इंडिया में लॉन्च हुई है तब से टाटा पंच का कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आया है। यानी बहुत सारी कार कंपनियां फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करती है या फिर कुछ कार कंपनियां न्यू जनरेशन मॉडल को भी लॉन्च कर देती है। हालांकि नॉर्मल से अपडेट आ चुकी है टाटा पंच के अंदर, लेकिन जो बड़ा अपडेट एक्सपेक्ट किया गया था वो अभी तक टाटा पंच के अंदर नहीं आया है। हालांकि इसका जो फेसलिफ्ट मॉडल है वो टेस्टिंग फेज में है। उसके बहुत सारे स्पाइड इमेजेस ऑनलाइन लीक हो चुके हैं और उसके अंदर आपको आने वाले समय में काफी नए नए चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसका फ्रंट का फीचर थोड़ा सा अलग रखा जा सकता है, फ्रंट के ग्रिल्स का डिजाइन थोड़ा सा अलग रखा जा सकता है, लाइटिंग सेटअप का डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। वही इसके बोनट के नीचे आपको बड़ी LED टेललाइट की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। ये ट्रेंड फिलहाल के लिए फॉलो किया जा रहा है। ये चीज आपने टाटा पंच EV के अंदर देखी होगी। इसके अलावा नेक्सॉन का जो इलेक्ट्रिक मॉडल है उसके अंदर देखी होगी। न्यू टाटा हैरियर के अंदर भी ये चीज ऑफर करी गई है। सेम चीज शायद टाटा मोटर्स पंच के फेसली मॉडल के अंदर ऑफर कर सकती है। साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं। साइड प्रोफाइल में कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर न्यू डिजाइन वाले डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके रियर में जो सबसे मेजर अपडेट किया जाएगा वो रहेगा LED टेललाइट का। न्यू डिजाइन के साथ LED टेललाइट ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा नॉर्मल से चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। वही इसका इंटीरियर भी अपडेट हो सकता है। शायद न्यू डैशबोर्ड का डिजाइन दिया जा सकता है। कलर थीम नया यूज किया जाएगा। बड़ा सा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा। हालांकि रिसेंटली एक छोटा अपडेट आया था उसके अंदर इसका टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम अपडेट हो चुका है। अब आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर भी शायद सेम टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा इंटीरियर में कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे, कुछ फीचर्स को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन पंच फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज रहेगा वो रहेगा इंजन के द्वार पर। इसके अंदर एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। हालांकि करंटली आपको नॉर्मल सा ही पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी करी थी और बहुत सारे लोगों को वो थोड़ा सा लैगी भी लगता है। यानी उनको उतनी ज्यादा पावर आउटपुट नहीं मिलती जितने की लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि उस चीज का सोल्यूशन आपको इसके टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल जाएगा। वो शायद इसके फेसली मॉडल के साथ इंडिया में आ सकता है। तो ये सभी चीजें आपको टाटा पंच फेसली मॉडल के साथ देखने को मिल जाएगी। और रही बात प्राइसिंग की, तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा या फिर शायद 10-20 हजार रुपए इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ सकती है। टाटा पंच का फेसली मॉडल अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगा मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। जो अगली कार से वो है टाटा हैरियर का इलेक्ट्रिक मॉडल, इसके अलावा सफारी का इलेक्ट्रिक मॉडल। यहाँ पर दोनों ही कारों की टेस्टिंग फिलहाल के लिए चल रही है और दोनों ही गाड़ियों को बहुत बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। लेकिन टाटा मोटर्स ने हैरियर का EV मॉडल ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया है, जिसके तहत बहुत सारी चीजें आउट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो करंट हैरियर इंडिया में बिक रही है उसके मुकाबले आपको नॉर्मल सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बोनट के नीचे बड़ी LED टेललाइट की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लाइटिंग सेटअप का डिजाइन थोड़ा सा नया रखा गया है। एक्सटीरियर के तौर पर जो EV मॉडल है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू करंट मॉडल जो इंडिया में बिक रहा है। और इंटीरियर के अंदर भी आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों के साथ काफी बड़ी बैटरी बैकअप का ऑप्शन दिया जाएगा। हालांकि बैटरी बैकअप जो यूज किया जाएगा उसके फिगर्स अभी तक सामने निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन एक चीज बताई जा रही है, दोनों ही गाड़ियों के साथ लगभग 400 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हैरियर का EV मॉडल इंडिया में लॉन्च होगा और शायद बाद में सफारी का EV मॉडल इंडिया में आ सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने बहुत बार हैरियर का इलेक्ट्रिक मॉडल शोकेस किया है। इसी वजह से इसको सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है या फिर सिंपली टाटा मोटर्स दोनों ही गाड़ियों को एक साथ इंडिया में लॉन्च कर सकती है। जो अगली कार है वो है टाटा के सियारा। ये एक आइकॉनिक कार रही है इंडिया में और ये काफी पहले इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर आपको पुरानी सियारा की बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। यानी काफी सारे डिजाइन एलिमेंट्स पुरानी सियारा से लिए गए हैं, जिसके तहत आपको पुरानी सियारा की डेफिनेटली याद आएगी। लेकिन इसका फ्रंट का फीचर काफी ज्यादा मॉडर्न रखा गया है। ये एक 5 सीटर
भी कार होने वाली है। इस कार के अंदर पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जाएगा और इस कार को इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। शायद इस कार की प्लेसमेंट हमें टाटा हैरियर इसके अलावा सफारी के ऊपर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस कार के अंदर काफी जबरदस्त फीचर्स ऑफर किए जा सकते हैं। टाटा सियारा को भी काफी बार ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है, तो ये फाइनल है। सियारा अगले 1-2 सालों के अंदर इंडिया में लॉन्च होगी। इसका इलेक्ट्रिक मॉडल शायद 2025 में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स इस कार की कीमत 30 या फिर 40 लाख रुपए रख सकती है। इस कार को प्रीमियम सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि वो वाला सेगमेंट टाटा मोटर्स का एमटी है, तो इस कार को उस सेगमेंट के अंदर प्लेस किया जाएगा। यानी सफारी और हैरियर जिस सेगमेंट के अंदर बिक रही है उनके ऊपर इस कार की प्लेसमेंट की जाएगी। तो ये चीज आपको टाटा सियारा की देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके अंदर हमें पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और सियारा का इलेक्ट्रिक मॉडल भी बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। शायद अगले साल टाटा मोटर्स सियारा को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। जो आखिरी कार है जिसको टाटा मोटर्स की तरफ से अगले 1-2 सालों के अंदर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, वो है अवीनिया। इसका कॉन्सेप्ट वर्जन ऑलरेडी शोकेस हो चुका है, लेकिन ये भी एक प्रीमियम सेगमेंट की कार होने वाली है। इस कार के अंदर भी काफी प्रीमियम लेवल के फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। हालांकि जो कॉन्सेप्ट मॉडल शोकेस किया गया था वो फाइनल नहीं था। जो फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल रहेगा उसके अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यानी एक्सटीरियर के तौर पर भी चेंजेस करे जा सकते हैं और इंटीरियर तो वो कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था, वहां पर भी काफी सारे बदलाव हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमें अवीनिया की देखने को मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फॉर्मेट के साथ इंडिया में बिकने वाली है, तो ये 500-600 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी एक सिंगल चार्ज में, या फिर उससे ज्यादा भी रेंज दे सकती है। रेंज टोटली डिपेंड करेगी इसके अंदर कौन सा बैटरी बैकअप का यूज किया जाता है, कौन सी मोटर का यूज किया जाता है, उसके ऊपर टाटा अवीनिया की रेंज डिपेंड करेगी। और मेरे हिसाब से इस कार की कीमत 50 लाख रुपए के ऊपर चले जाने वाली है। आपको क्या लगता है टाटा अवीनिया की कीमत कितने से शुरू होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इन 5 कारों को टाटा मोटर्स की तरफ से बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर कुछ कार्स ऐसी भी है जिनके लॉन्चिंग में डिले हो सकता है, जैसे कि अवीनिया हो गई, सियारा हो गई। हालांकि इनका कॉन्सेप्ट वर्जन शोकेस हो चुका है, जो फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको काफी सारे चेंजेस और बदलाव देखने को मिल जाएंगे। हालांकि टाटा पंच फेसलिफ्ट मॉडल भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जो लोग टाटा पंच को खरीदना चाहते हैं वो लोग इसके फेसलिफ्ट मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। इन 5 कारों में से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।